सब्सक्राइब कीजिए वाईटी नेशन चैनल को लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, वाईटी नेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एडवांस मैथ के बारे में। तो आप में से जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने अर्थमेटिक को काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों जो उनका एडवांस मैथ होता है वो बिल्कुल ही डाउन होता है, या फिर वो उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित होते हैं या एडवांस मैथ के क्वेश्चन को देखकर घबरा जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एडवांस मैथ से रिलेटेड फुल स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि आपको एडवांस मैथ कहाँ से शुरू करना चाहिए, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, आपको एडवांस मैथ के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास लेनी चाहिए, कम्प्लीटली दोस्तों आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, खुद का एक्सपीरियंस है और मैं वर्तमान उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हूँ, तो उसके अगर आप लोगों को थोड़ा सा भरोसा हो तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो मैं चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ उसमें से कुछ लोग सीख कर जाएँ। तो चलिए दोस्तों, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात यही करेंगे कि आप लोगों को शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग एडवांस मैथ को करना चाह रहे हों तो सबसे पहले आप लोगों का जो बेस होता है वो बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। बेस में दोस्तों देखिए, आपका यहाँ पर होता क्या है, आपका जोड़ घटाना गुना भाग ये तो आपको आनी ही आनी चाहिए, यानी कि आपकी जो कैलकुलेशन की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या है इसमें। दूसरा पॉइंट होता है दोस्तों सूत्र याद करना। तो जैसे कि आप सभी को पता है, अर्थमेटिक में जैसे आप अगर परसेंटेज वाला चैप्टर करते हो तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको किस तरह का फॉर्मूला लगाना पड़ता है, अगर आप स्पीड वाला चैप्टर करते हो तो उसमें किस तरह से आपको स्पीड निकालनी होती है, आपको डिस्टेंस किस तरह से निकालने होते हैं, उस तरह के अर्थमेटिक के फॉर्मूले अलग होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें यहाँ पर आपकी एडवांस मैथ की, तो एडवांस मैथ के जो फॉर्मूले होते हैं वो दोस्तों कुछ अलग ही होते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप लोगों को अपने एडवांस मैथ्स के जो फॉर्मूले हैं उनको याद कर लेना है। दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है जो एडवांस मैथ में जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है दोस्तों आप लोगों की थ्योरम, क्योंकि दोस्तों जितना भी एडवांस मैथ होता है वो आपका फॉर्मूला बेसिस बहुत कम होता है, वो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके थ्योरम से पूछे जाते हैं। तो आप जितने से ज़्यादा थ्योरम याद करेंगे, जितना ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, एडवांस मैथ आप लोगों के लिए उतना ही ईजी हो जाएगा। तो अब मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आपको एडवांस मैथ के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए और किस बुक से आपको एडवांस मैथ की शुरुआत करनी चाहिए, कौन सा चैप्टर आपको स्टार्ट में करना चाहिए और कौन सा आपको बाद में करना चाहिए। तो उस बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन दोस्तों आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप उसके फॉर्मूलों को याद कीजिए और उसकी थ्योरम को याद करें। अगर दोस्तों आप ऐसा करते हैं तो आपका एडवांस मैथ कहीं भी नहीं अटकेगा, आप लोग इजीली कोई भी क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों को बुक कौन सी पढ़नी है और कहां से आपको कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। ठीक है, तो चलिए, तो जैसा कि आप लोग यहां पर दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपके लुसेंट के नाम से जो बुक है, आप लोगों को इसी बुक को मार्केट से खरीदना है। तो लुसेंट के नाम से दोस्तों ये आती है आपकी कंप्लीट मैथमेटिक्स के नाम से, तो इसी तरह की बुक आपको खरीद लेनी है। और आप लोगों को स्टार्ट कहाँ से करने हैं, कौन सा चैप्टर आपको स्टार्ट करना है, उस बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो आप लोगों को स्टार्टिंग में जो चैप्टर करने हैं, जो मेन चैप्टर होते हैं एडवांस मैथ के लिए, अगर आप इन चैप्टर को करते हो तो आप लोग अगर दूसरे जो चैप्टर हैं उनको इजीली कर पाओगे, लेकिन स्टार्ट आप लोगों को इन्हीं से करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों आपके चैप्टर नंबर वन की, कि आपको चैप्टर नंबर वन कौन सा स्टार्ट करना है। तो चैप्टर नंबर वन की बात करें तो दोस्तों आप तो चैप्टर वन की बात करें दोस्तों तो आपको यहाँ पर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का यहाँ पर चैप्टर सबसे स्टार्टिंग में करना है। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, आपके इसमें जो आपने क्वेश्चन देखे होंगे, इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह के होते हैं, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ये जो आपका जो चैप्टर होता है ये उसी तरह के क्वेश्चन पर रिलेटेड होता है। तो कहने की बात दोस्तों ये है, इसमें काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूले होते हैं, और जो अगर आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से कर लोगे तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप 101% जितने भी आपके एडवांस मैथ के क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने इसके फॉर्मूलेस को याद किया है तो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे चैप्टर नंबर दो के बारे में। तो चैप्टर नंबर आपका होता है कॉन्ग्रेंस एंड सिमिलर ट्राइंगल्स, यानी समरूप और सर्वागसमता वाला जो आपका चैप्टर है वो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जरूर करना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन
चाहे वो आपका SSC हो चाहे आपका रेलवे हो, उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। तो इस चैप्टर में आप लोगों को ज़्यादा थ्योरम मिलेंगी, तो अगर आप उन थ्योरम को याद करोगे तो आप लोगों को बहुत ही ईजी तरीके से जो मैंने आप लोगों को बुक बताई है अगर आप उसे पढ़ोगे तो आप लोग ईजी से इस चैप्टर को कर पाओगे। दोस्तों तीसरा चैप्टर भी हमारा ट्राइंगल्स का ही होता है, हालांकि दोस्तों इसमें भी काफ़ी ज़्यादा थ्योरम है। मैं आप लोगों को एक बार फिर से कहता हूँ कि अगर आप लोग अपनी कमांड थ्योरम पर बनाओगे तो आप लोग इजीली एडवांस मैथ के सभी क्वेश्चन कर दोगे। दोस्तों इसमें फॉर्मूले कम हैं लेकिन जो आप लोगों का यहाँ पर एडवांस मैथ है उसमें थ्योरम काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर आप लोग इसकी थ्योरम को ज़्यादा से ज़्यादा याद करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग ईजीली किसी भी तरह का एडवांस मैथ का क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे आपका जो फोर्थ चैप्टर है वो होता है आपका क्वाड्रिलेटरल। तो दोस्तों क्वाड्रिलेटरल यानी आपका चतुर्भुज वाला जो चैप्टर होता है आप लोगों को इसे भी करना है, वन बाय वन आपको चैप्टर करना है और एक एक्सरसाइज एक चैप्टर करने के बाद आपको उसकी एक्सरसाइज करनी है। देन जैसे ही आप दूसरा चैप्टर करोगे दूसरा चैप्टर करने के बाद आपको उसकी एक्सरसाइज करनी है और हफ्ते में आप लोगों को एक बार रिवीजन उसका ज़रूर करना है। तो दोस्तों अगर आप इस तरह से इसका प्लानिंग बना करके अपने चैप्टर को पढ़ोगे और उनकी डेली एक्सरसाइज करोगे तो मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप लोगों का एडवांस मैथ बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और आप किसी भी तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छोड़कर आओगे। तो दोस्तों जो हमारा अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो पांचवा जो आपका चैप्टर होता है वो होता है आपका सर्कल एंड इट्स टेंजेंट लाइन, यानी जो वृत्त और उसकी स्पर्श रेखाएं। तो ये भी दोस्तों जो चैप्टर होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग इन पांच चैप्टर को कर लेते हो तो आप लोग एडवांस मैथ में कहीं भी मात नहीं खाने वाले हो। तो अब मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों को पढ़ना कहाँ से चाहिए, क्या आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, किस तरह से आप लोगों को पढ़ना चाहिए। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि दोस्तों अगर आप घर बैठ करके पढ़ाई करते हो तो उसके लिए आप लोगों को ज़रूरी है कि आप लोग नोट्स ज़रूर बनाएं। आप क्लास ज्वाइन करते हो तो भी आपको नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि दोस्तों नोट्स आपके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं आपके एग्ज़ाम टाइम पर। तो दोस्तों आप लोगों को नोट्स ज़रूर बनाने हैं और कोशिश यही करनी है कि डेली से डेली आप लोगों को उनकी प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को पढ़ना कैसे चाहिए, ऑफलाइन पढ़ना चाहिए या फिर ऑनलाइन पढ़ना चाहिए। दोस्तों अगर आप एडवांस मैथ को पहली बार पढ़ने जा रहे हो तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक ही सलाह दूंगा कि आप लोगों को स्टार्टिंग ऑफलाइन करनी चाहिए अगर आप एडवांस मैथ को स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, क्योंकि दोस्तों जो आपका एडवांस मैथ होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को एकदम से क्लियर नहीं होगी। ऑनलाइन आप लोगों को मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि दोस्तों आप लोगों का जो डाउट है आप लोग वहाँ पर अच्छे से क्लियर नहीं कर पाओगे। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को ऑफलाइन क्लास से ही स्टार्ट करना चाहिए। अगर दोस्तों आपको थोड़ा बहुत आता है, आप एडवांस मैथ में थोड़े बहुत नॉलेज रखते हैं, तो आप लोग ऑनलाइन क्लास का भी सहारा ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लास के लिए दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए वाईफाई स्टडी पर जो साहिल सर है आप उनकी क्लास ले सकते हैं, या फिर आप राकेश यादव सर जी की क्लास ले सकते हैं। वो आप लोगों को आपका एडवांस मैथ कंप्लीट समझा देंगे और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप लोग अपनी जो एडवांस मैथ की स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो और इस तरह के जो मैं आप लोगों को जो मैंने तरीका बताया अगर आप इसे थोड़ा सा भी फॉलो करते हो तो दोस्तों आप लोग एडवांस मैथ में कहीं भी मात नहीं खाने वाले हो। तो दोस्तों ये एडवांस मैथ की मेरी वीडियो का पार्ट वन था, तो पार्ट टू में आप लोगों को बताऊंगा मैं ट्रिग्नोमेट्री के स्पेशली उसी के बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों अगर आप पार्ट टू चाहते हो तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिए, मैं आपके लिए पार्ट टू ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।